मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है, सुबह सुबह उठ गया आज आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग करने के लिए। बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुहाना लग रहा है, कितना सुंदर है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। आज थोड़ा बारिश भी नहीं हुआ है, फ़िलहाल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं यहीं से, और आगे आगे सारा दिन क्या क्या करते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। को 3 महीने में छत का हाल देखो कैसे कर दिया, पूरा एकदम सफाई वफाई कुछ नहीं किया, इसलिए अभी सफाई करेंगे। वो जो ग्रास है ना, घास, वो पूजा के लिए मैंने लाए थे, देखो इसका अभी छाटेंगे कैंची से। देखो थोड़ा छाट लिया ऐसे करके ना, पूरा इसको छाटेंगे जैसे बाल इसका काट रही हूँ। अब जो छत से छाट लाया है ना, वही बना रही हूँ। अब बनाएंगे आलू पोस्तो। थोड़ा दे दिया तेल, पूरा दिख नहीं रहा ठीक से, तो तेल दे दिया। अभी थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा दे दिया। और हम लोग ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली कुछ भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि चीज़ बहुत महंगे है ना, इसलिए हम लोग कुछ नहीं फेंकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ख़रीदने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, फैमिली चलाना पड़ता है और इतने एक्सपेंसिव है। देखिए जो जिलेबी बनाया था ना, उसका जो बचा हुआ चाशनी था वही से बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, बहुत दिन तक खा पाएंगे, इसलिए आज ये बनाएंगे। बोलते आलू पोस्ता ऐसे करके आलू काटा है, और अभी डाल देंगे आलू। देख सकते हैं धुआं निकल कर आ रहा है। तो पहले तो पैकेट को हम काटेंगे। पहले पैकेट, दोनों पैकेट को मिला लिया, हम देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे सबको मिक्स करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना दूध डालेंगे, ताकि तरह एक साथ घूम लेंगे। और जब दूध से मैं मिलाया, आप पूरा ऐसे करके ना पूरा घूम लेंगे, आपका जैसे घूमते हैं वैसे। मेरा अभी आलू फ्राई हो गया, अभी डालेंगे पोस्तो, जो पॉपी सीड्स है वो डालेंगे, जितना लाल लाल हो जाएंगे उसके बाद ही डालेंगे। थोड़ा लाल लाल हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जो पॉपी सीड है ना, इसको मैंने मिक्सर में मिक्स कर दिया। अभी पेस्ट करने के बाद अभी इसको डालेंगे। इसमें मैंने हरा मिर्च डाल दिया, आप अपने हिसाब से जो तीखा है वो कर सकते हैं। थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक, जो पेस्ट से जो बचा हुआ था ना उसे एक साथ मिलाकर पानी डाल देंगे, बस और कुछ नहीं, हो जाएंगे मेरा आलू पोस्तो। अभी इसको गोल गोल पकाएंगे, जिस जैसे शेप देना चाहते हैं वैसे ही दे दीजिए। तो फिलहाल तो मैं बहुत तरह का शेप देंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत तरह का शेप देने में। थोड़ा गोल करेंगे, गोल उतना बड़ा नहीं करेंगे, इतना छोटा छोटा रखेंगे, और ऐसे भी शेप करेंगे। तो जो लैंगचा बोलते हैं ना, लैंगचा की तरह भी लंबा लंबा रखेंगे। अभी गुलाब जामुन के लिए जो सब तैयार कर लिया, इतना तक हुआ है, बहुत ही हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली का गुलाब जामुन। तेल चेक कर लेते हैं, हो गया मेरा तेल। एक एक करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक फ्राई करेंगे। सो गुलाब जामुन रेडी है, अभी देखो पूरा तैयार हो गया है। इसके अंदर पूरा जो चाशनी है उसके अंदर भी घुस गया, और ये देखो सिम्बा को, देखो सिम्बा खाने के लिए आ गया, वही ऐसे करते हैं, देखे से अंदर चला गया, और टेस्टी भी बहुत है। सो वीडियो अगर पसंद आए, बोलने भी नहीं दे रहे, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अरे बोलने तो दे।